नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। BRLPS जीविका बिहार ने 71 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। उदया तिथि के अनुसार आज मनाई जा रही है मकर संक्रांति। बिहार पहुंचा रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में। बिहार में पैक्सो का कारोबारी दायर बढ़ाने की तैयारी। शराबबंदी कानून के तहत 2021 के मुकाबले 2022 में दोगुनी हुई गिरफ्तारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BRLPS जीविका बिहार ने 71 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी पटना ने यंग प्रोफेशनल के कुल मिलाकर 71 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को PG या BTEC पास होने के साथ ही 3 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। उदया तिथि के अनुसार आज मनाई जा रही है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर्व ने दस्तक दे दी है। बता दें कि बिहार में बीते दिन भी कई जगहों पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया था, तो वही कई जगहों पर आज भी मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। दरअसल 14 जनवरी को पारंपरिक तरीके से तो वही 15 जनवरी को उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति मनाई जा रही है। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और साथ ही कई लोग स्नान के बाद दान भी करते हैं, जिसके बाद लोग दही चूड़ा और तिलकुट खाकर मकर संक्रांति मनाते हैं। वहीं बीते दिन बाजार में मकर संक्रांति की खरीदारी करने वालों की चहल पहल बनी रही। बिहार में 2023 के अंत तक सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों का होगा अपना भवन। 7 निश्चय के तहत बिहार में 2023 के अंत तक सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों का अपना भवन होगा। इसके साथ ही इन इंजीनियरिंग कॉलेजों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि छात्रों को पढ़ाई में मदद मिल सके और उनकी पढ़ाई में रुचि बनी रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है, जिसमें से 35 इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो वहीं 2 भवन का निर्माण कार्य अगले 1 से 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि 3रे भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे सिमुलतल्ला हिल स्टेशन के बारे में। सिमुलतल्ला हिल स्टेशन मुख्यतः अपने प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही भारतीय पौराणिकता के अनुसार इसे माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस का साधना स्थल या तपोभूमि के रूप में यह बेहतर जाना जाता है। यहाँ के महान परिदृश्य और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता आपको यहाँ आने का आमंत्रण देते हैं, तो जब कभी भी अपने दैनिक जीवन की आपाधापी से दूर होना चाहे तो यहाँ अवश्य आए। बीते दिन पंचतत्व में विलीन हुए शरद यादव। 12 जनवरी की रात पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया था। वहीं बीते दिन उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनको मुखाग्नि उनके पुत्र शांतनु बुंदेला और उनकी बेटी सुभाषिनी के द्वारा मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में उनके पैतृक गाँव आंखमऊ में किया गया। इससे पहले उन्हें पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान उन्हें कई दिग्गज लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई लोग शामिल रहे। पूर्व शिक्षा मंत्री PK साही बने बिहार के महाधिवक्ता। बीते दिन पूर्व महाधिवक्ता ललित किशोर ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को भेजा था, जिसके बाद बीते दिन ही बिहार के नए महाधिवक्ता का चयन हो गया है। बता दें कि विधि विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है कि बिहार के 22वें महाधिवक्ता के रूप में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और पटना हाईकोर्ट के बढ़िया अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही का चयन किया गया है। यानी कि अब बिहार के महाधिवक्ता की जिम्मेदारी प्रशांत कुमार शाही के द्वारा देखी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि PK साही पहले भी बिहार के महाधिवक्ता के रूप में 2005 से 2010 तक कार्य कर चुके हैं। इसके बाद ही उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था।
बिहार पहुंचा रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के तहत बिहार और मिजोरम के खिलाफ खेला गया मुकाबला ड्रॉ हो गया और इसी ड्रॉ के बाद बिहार ने अपने ग्रुप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार को पहली पारी के आधार पर 3 अंक मिले जबकि मिजोरम को 1 अंक। इसके साथ बिहार के द्वारा खेले गए 5 मैचों में से 1 में जीत 1 में हार और 3 ड्रॉ से बिहार के कुल 14 अंक हुए। बताते चले कि बिहार इन 14 अंकों के साथ प्लेट ग्रुप में 4थे स्थान पर है। वहीं अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर मेघालय की टीम 25 अंकों के साथ बनी हुई है। अब बिहार का अगला मुकाबला शिलांग में 17 जनवरी को मेघालय के साथ होगा। बिहार में पैक्सों का कारोबारी दायर बढ़ाने की तैयारी। बिहार में प्राथमिक कृषि शाख समितियों के कारोबारी दायर को बढ़ाया जा सके इसके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा भेजे गए मॉडल के बायलॉज के आधार पर पैक्सों का नया बायलॉज तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर 16 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक भी आयोजित की जा रही है जिसमें इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि मॉडल बायलॉज वर्तमान पैक्स बायलॉज से कई मायनों में अलग है। बताते चले कि वर्तमान पैक्स बायलॉज में कृषि से जुड़े परिवार के केवल 1 व्यक्ति को पैक्स सदस्य बनाया जाता था जबकि मॉडल बायलॉज में 2 प्रकार की सदस्यता ए क्लास और बी क्लास यानी कि प्रमोटर और व्यक्तिगत सदस्य बनाए जाएंगे। इसके अलावा मॉडल बायलॉज में सदस्यों के अधिकार को बढ़ाने की भी बात कही गई है और साथ ही सदस्यों को हटाने के नियमों पर भी बदलाव किया गया है। बिहार में कई जिलों में सेंट्रल जीएसटी की रेड। बीते दिन शनिवार को बिहार में टैक्स चोरी को लेकर सेंट्रल जीएसटी की टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के कई जिलों में छापेमारी की गई जिसमें सेंट्रल जीएसटी टीम के द्वारा करोड़ों के टैक्स चोरी का खुलासा किया गया है। बता दें कि अब तक इस छापेमारी में 11 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार सेंट्रल जीएसटी की टीम के द्वारा ऐसे चुनिंदा कंपनियों या कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है जो लंबे समय से टैक्स चोरी कर रहे थे। बताते चले कि जिन जिलों में सेंट्रल जीएसटी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, दरभंगा समेत कई अन्य जिले शामिल हैं। हालांकि अब तक छापेमारी के अंतिम आंकड़े सामने नहीं आए हैं। सीएम नीतीश ने पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को दी नई जिम्मेदारी। बीते शनिवार को बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नीतीश सरकार के द्वारा नई जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि अब उन्हें केंद्रीय चयन पर्षद बिहार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यानी कि अब वह अगले 3 साल तक केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष बने रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें केंद्रीय चयन पर्षद बिहार के मौजूदा अध्यक्ष के एस द्विवेदी का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है जिसके बाद उनकी यह जिम्मेदारी एसके सिंघल के द्वारा संभाली जाएगी। डिजिटल होंगे सूबे के इतने शहर। जल्दी बिहार के 261 शहरी निकाय की कार्यप्रणाली पूरी तरह डिजिटल होने वाली है। बता दें कि इसके लिए उनकी भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि जीआईएस मैपिंग व प्रॉपर्टी सर्वे का काम किया जा रहा है जिसमें सर्वे के पहले फेज में अब तक 29 शहरों की जीआईएस मैपिंग पूरी की जा चुकी है और 28 शहरों की जल्दी ही पूरी की जाने वाली है। वहीं जिन 29 शहरों की जीआईएस मैपिंग की जा चुकी है उनमें से 10 शहर ऐसे हैं जिनके प्रॉपर्टी सर्वे का भी काम पूरा कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्वे का काम कुल 4 फेजों में किया जा रहा है जिसमें से पहले फेज में 57 शहर, दूसरे फेज में 85, तीसरे फेज में 57 और चौथे फेज में 62 शहरों को चिन्हित किया गया है। वहीं फिलहाल इस सर्वे को करने के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है जिसके बाद एजेंसी को सर्वे का काम पूरा कर विभाग को रिपोर्ट सौंपने का समय 1 साल तक का दिया गया है। बिहार के 18 जिलों के भूजल में अधिक मात्रा में मिला आर्सेनिक। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के 18 जिलों के भूजल में अधिक मात्रा में आर्सेनिक पाया गया है। उन्होंने बताया कि इन 18 जिलों में रहने वाले लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रति लीटर 10 माइक्रोग्राम की तय सीमा से अधिक आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन वाला पानी पी रहे हैं जिनसे उनमें गॉल ब्लैडर कैंसर की बीमारी होने की संभावना बढ़ जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिले हैं उनमें बक्सर, भोजपुर और भागलपुर जिला शामिल है। वहीं अब इन स्थानों के पेयजल से आर्सेनिक हटाने के लिए पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन बेहद जरूरी है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे राकेश रंजन कुमार के बारे में। राकेश रंजन कुमार का जन्म आज ही के दिन 1972 को हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म निर्देशक और लेखक है। उन्होंने डियर फ्रेंड हिटलर का निर्देशन किया था जिसका प्रीमियर 2011 में कान फिल्म समारोह में किया गया था। द हॉलीवुड रिपोर्टर में डुआन बायरगे द्वारा इस अयोग्य, कल्पित और उबर भयानक के रूप में वर्णित किया गया था। कुमार के पास हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर डिग्री है। उन्होंने निर्देशक,
लेखक अभिनेता के रूप में ओडिपस, पंचलाइट, सखाराम बिंदर, जाति ही पूछो, साधु की होली, एंटीगोन और वेस्ट साइड स्टोरी जैसी प्रस्तुतियों सहित कई मंचीय नाटकों में भाग लिया। उन्होंने सुभाष घई की मुक्ता आर्ट्स के साथ साझेदारी में डीडी वन के लिए जमीर जैसी टीवी धारावाहिकों का निर्माण किया और निर्देशन भी दिया। उन्होंने हिंदी लेखक मनोहर श्याम जोशी और फिल्म निर्माताओं इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप और अभिनव कश्यप के साथ एक लेखक के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस कारण से बिहार में एक ही बार में बर्खास्त हो सकती है 3000 सर्वे कर्मियों की सेवा। निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह के द्वारा उन कर्मियों की सेवा को बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई है जो बिहार में जमीन के विशेष सर्वेक्षण के लिए 2 साल पहले संविदा पर बहाल हुए थे और अब वे सभी अमीन कानूनगो सेवा को नियमित करने, वेतन भत्ता में बढ़ोतरी, 6 माह में बर्खास्त कर्मियों को बहाल करने आदि मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसके लिए निदेशक के द्वारा जिला बंदोबस्त पदाधिकारियों को हड़ताल खत्म कराने के लिए संविदा अमीन और कानूनगो की संख्या गिनने का निर्देश दिया गया है और साथ उन कर्मचारियों की पहचान संख्या भी मांगी गई है ताकि उन्हें बर्खास्त कर नई बहाली की जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान 3000 सर्वे कर्मियों की सेवा बर्खास्त हो सकती है। इस दिन होगी बिहार में G20 की बैठक। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठक बिहार में भी आयोजित की जा रही है जिसके लिए बिहार ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बता दें कि बिहार में इस बैठक की मेजबानी 6 और 7 मार्च को की जाएगी जिसमें G20 के प्रतिनिधि मंडल बिहार आएंगे। मालूम हो कि इसकी नोडल अधिकारी के रूप में कला संस्कृति विभाग की प्रधान सचिव वंदना प्रेयसी को चुना गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान बिहार आने वाले अतिथियों का स्वागत किस तरह से किया जाए इसके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन क्षेत्र जुड़े होटल व्यवसायी और दूसरे साझेदारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन की 200 बैठकें आयोजित की जा रही हैं। शराबबंदी कानून के तहत 2021 के मुकाबले 2022 में दोगुनी हुई गिरफ्तारी। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शराबबंदी कानून के तहत पुलिस के द्वारा 2021 की तुलना में 2022 में दोगुनी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि वर्ष 2021 में शराबबंदी कानून के तहत कुल 82,903 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। वहीं अगर इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष पुलिस के द्वारा इस कानून के तहत गिरफ्तार की गई अभियुक्तों की संख्या कुल 1,71,749 है और इसके साथ ही बरामद की गई शराब लगभग 33 लीटर है। इसके साथ ही कार्यवाही के दौरान मद्य निषेध विभाग की टीम और जिला पुलिस की टीम की ओर से 16,988 वाहनों को भी जब्त किया गया है। बिहार में अगले 5 दिन रहेगी ठंड। मौसम विज्ञान की माने तो अगले 5 दिनों तक प्रदेश में ठंड का प्रभाव बना रहेगा। मौसम विज्ञान ने बताया कि 18 जनवरी तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देर सुबह तक प्रचंड ठंड का प्रकोप बना रहेगा। दिन में इसके सुधार होने का अनुमान है। उत्तर बिहार के जिलों में रात में मध्य से घना कुहासा तथा सुबह में हल्का से मध्यम कुहासा छाया रह सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 15 जनवरी से न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। बिहार में बढ़ेंगे सीएनजी स्टेशन। बिहार के सभी जिलों में सीएनजी स्टेशन की संख्या को बढ़ाया जा सके इसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा सभी जिलों के डीटीओ कार्यालय से निबंधित सीएनजी गाड़ियों का ब्यौरा मांगा गया है ताकि इस ब्यौरे के आधार पर अगले चरण में उन जिलों में सीएनजी पंप की व्यवस्था की जाए जहां उनकी कमी हो। इसके साथ ही विभाग के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि मांग के अनुरूप सीएनजी की सप्लाई की जाए ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े जो सीएनजी वाहन को चलाते हैं। बता दें कि इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी जिसमें साफ तौर से यह कह दिया गया था कि सीएनजी स्टेशन लगाना किसी पंप चालक की चॉइस नहीं है बल्कि सीएनजी स्टेशन लगाना अनिवार्य है। रेडियो एमएलसी नीरज कुमार ने किया रामायण पाठ। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है तो वहीं जदयू विधान पार्षद के द्वारा राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर में अपने समर्थकों के साथ रामायण का पाठ किया गया और साथ ही उन्होंने कई जगहों पर दोहा का अर्थ भी समझाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे यहां हर शनिवार आते हैं और यहां आकर हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसकी चर्चा हमारे संविधान में भी की गई है। इस ग्रंथ को बिहार के लोहिया से लेकर महात्मा गांधी के द्वारा भी तारीफ की गई है। राम मनोहर लोहिया ने तो रामायण मेला ही लगवाने का काम किया था, इसलिए जो भी लोग इस पर कुछ कह रहे हैं वह पूरी तरह से गलत बोल रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है जिस पर उन वाक्यों से कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है।
बीजेपी ने नीतीश कुमार को दिया नया नाम। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मिस्टर मालूम नहीं मुख्यमंत्री को अपने राजकाज में हो रही किसी भी घटना, अपराध, विवादास्पद बयान की जानकारी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कोटे में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग रखा है। इसके साथ ही उनके इस यात्रा में जिला प्रशासन के साथ गृह विभाग के साथ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी रहते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें किसी बात की कोई खबर नहीं होती और इसी तरह से वे जवाब देने से बच जाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 18 से 24 जनवरी तक भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है। बता दें कि इस दौरान भारतीय टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा ही करेंगे, वहीं केएल राहुल और अक्षर पटेल कुछ निजी कारणों से स्क्वाड में नहीं होंगे, वो सीरीज से बाहर हो गए। राहुल की जगह विकेट कीपर के तौर पर केएस भारत को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या रोहित के डिप्यूटी होंगे, वहीं ऑलराउंडर सहबाज अहमद और शार्दुल ठाकुर को भी शामिल किया गया है। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पहला मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा वनडे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं तीसरा और अंतिम वनडे इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। 1934 में नेपाल और भारत में बहुत जबरदस्त भूकंप आया, उसमें करीब 18,000 लोगों की जाने गई। भारतीय खाद्य निगम 1965 में स्थापना हुई। 1988 में भारत के पूर्व गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में ही 16 विकेट लिए, यह उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि है। ढाका में त्रिदेशीय बांग्लादेश भारत तथा पाकिस्तान का शिखर सम्मेलन 1998 में प्रारंभ हुआ। 1856 में अश्विनी कुमार दत्त का जन्म, जो भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त थे। 1918 में क्रांतिकारी यशवंत अग्रा वाडेकर का जन्म हुआ। 1938 में चुनी गोस्वामी का जन्म, जो प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर है। 1926 में खासाबा जाधव का जन्म, जो भारत के ऐसे पहले कुश्ती खिलाड़ी थे जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले तपन सिन्हा का 2009 में निधन हुआ। बालखोर में आज हम बात करेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो, ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि मॉनसून सत्र के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, कृपया इस तरह के संदेश को शेयर न करें। व्हाट्सएप में अब सीधे चैट लिस्ट में अनचाहे कॉन्टैक्ट को कर सकेंगे ब्लॉक। मेटा का मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक नया ब्लॉक शॉर्टकट फीचर पर काम कर रहा है। ये ब्लॉक शॉर्टकट फीचर यूजर्स को किसी व्यक्ति से संबंधित चैट को खोले बिना केवल चैट लिस्ट से उस कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करने की अनुमति देगा जिसे आप हटाना चाहते हैं। बता दें कि कंपनी व्हाट्सएप के लिए वर्जन 2.23.2.4 जारी करने पर काम कर रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि व्हाट्सएप ऐप के भविष्य के अपडेट के लिए चैट के भीतर ब्लॉक फीचर को जोड़ने पर काम कर रहा है। हालांकि अभी यह फीचर विकास के अधीन है और इसे अभी बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया जाना बाकी है। 9 इकाइयों के लिए 764 करोड़ के औद्योगिक निवेश को मंजूरी। राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन नियमावली के तहत इथेनॉल और सोलर पावर प्लांट समेत 9 विभिन्न इकाइयों के 764 करोड़ के औद्योगिक निवेश की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि इसके स्थापना से 700 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके तहत 2 सोलर प्लांट बांका जिले में लगाए जाएंगे, जिसमें कुल 86 करोड़ 91 हजार का निवेश होगा प्रकार मेसर्स पटेल के द्वारा परवलपुर नालंदा में 125 किलोमीटर प्रतिदिन क्षमता के अनाज आधारित इथेनॉल पर 96 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही इस कैबिनेट की बैठक में कई अन्य औद्योगिक निवेश की मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल 764 करोड़ निवेश किए जा रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स पर लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, गौतम राज, शैलजा कुशवाहा, रंजीत मिश्रा, राम पुकार, मृत्युंजय कुमार, अखिलेश यादव, नुन्नू गोलू कुमार, अमन कुमार महतो, असरफी मंडल, मुटू रंगीला, रवि शंकर, राजीव कुमार, उदय कुमार पासवान, रविन्द्र पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपका पसंदीदा बिहार का त्योहार कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।